उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हूँ लेकर के OCD के सिद्धांत, हेतु की एवं उपचार यानी कि थ्योरीज, इटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ OCD। पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि OCD क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इसके जो प्रारूप हैं, इसके जो टाइप्स हैं, इसके जो फॉर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो OCD है उसकी कौन कौन सी थ्योरीज है, क्या इसकी इटियोलॉजी है और OCD का ट्रीटमेंट किन किन तरीके से किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर OCD के सिद्धांतों की या हेतु की बात करें, यानी कि थ्योरीज और इटियोलॉजी की हम बात करें, तो इसके जो इसकी व्याख्या करने के लिए बहुत सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत हैं, जिनमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है जैविक सिद्धांत, जिसे हम बायोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। OCD की उत्पत्ति में कुछ जैविक कारकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे मरे, उन्होंने और उनके साथियों ने 1987 में एक अध्ययन किया कुछ रोगियों के ऊपर, और ये अध्ययन के रिजल्ट में ये पाया कि जो OCD के रोगी थे उनमें जो अधिकतर रोगी थे वो उससे पहले चिंता विकृति से ग्रसित हो चुके थे। तो उन्होंने ये माना कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जो चिंता विकृति होती है, उसके कारण बहुत बार OCD के सिम्टम्स किसी मरीज में आ जाते हैं। यानी कि आप किसी न किसी चिंता से ग्रसित पहले रहे हैं और उस चिंता के कारण आप में OCD आ गया है। जेनाइक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1986 में एक अध्ययन किया और अपने अध्ययन में ये पाया कि जो OCD है, यानी कि OCD जो उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनमें जो प्रमुख है वो है सिर में चोट तथा मस्तिष्क की ट्यूमर की उन्होंने बात कही। यानी कि अगर आपके सर में कहीं गिरने से चोट लग गई हो या आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, तो बहुत केसेस में, हम सारे केसेस की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि OCD होने के चांसेस पेशेंट को रहते हैं। अपनी इस रिसर्च की, जब उन्होंने ये रिसर्च करी और ये थ्योरी दी, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि करने के लिए एक बच्चे का उदाहरण दिया, एक केस सामने रखा, और उन्होंने ये बताया कि जैकब नाम का एक बच्चा था जो 8 साल का था। वो एक दिन मैदान में गेंद से खेल रहा था, अचानक क्या हुआ, अचानक वो गिर गया और उसके सर में चोट लग गई। चोट लगने के साथ साथ उसके मस्तिष्क से स्त्राव होना शुरू हुआ और वो उसी जगह पर बेहोश हो गया। इसके बाद उसके मस्तिष्क का सफलतापूर्वक डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया और बाद में ये पाया कि उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD के लक्षण विकसित हो गए थे। यानी कि जो बच्चा था वो क्या करता था, वो प्रत्येक चीज़ को 7 बार गिनता था, प्रत्येक चीज़ का 7 बार नाम लेता था। यानी अगर उसको किसी को बुलाना हो तो अपनी बात को रखने से पहले वो 7 बार उसका नाम लेगा और उसके बाद उसको जो बात करनी होती थी वो करता था। इसके अलावा वो 7 बजे खाना खाता था, 7 बजे कोई कार्य करता था। तो डॉक्टर्स ने और मनोचिकित्सकों ने पाया कि जो उसके सर में आघात लगा था या चोट लगी थी उसके कारण उसमें OCD के लक्षण विकसित हो गए। तो मनोवैज्ञानिकों ने माना, चिकित्सकों ने माना कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के पीछे बहुत सारे बायोलॉजिकल कॉजेस होते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण किसी भी इंसान को OCD हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा सिद्धांत OCD के लिए दिया गया है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि साइकोएनालिटिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत मतलब क्या कहता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो अवांछनीय एवं चेतन चिंतन दमित होकर व्यक्ति के अचेतन में चले जाते हैं, यानी कि हमारी ऐसी इच्छाएं, ऐसी भावनाएं, ऐसी अभिव्यक्तियां जिनकी पूर्ति हम अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पाते, हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं, ऐसी भावनाएं होती हैं, ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनका फुलफिलमेंट हम अपनी डेली लाइफ में नहीं कर पाते। तो क्या होता है, इन्हें हम अपने अचेतन मन से निकाल कर अचेतन, इन्हें हम अपने चेतन मन से निकाल कर अचेतन मन में दमित कर देते हैं।
तो मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि जो ये दमन होता है, यानी कि अपनी इच्छाओं को अपने चेतन से निकालकर अपने अचेतन में डाल देने की जो ये प्रक्रिया होती है, इसके लिए व्यक्ति बहुत सारे सुरक्षात्मक उपायों का उपयोग करता है। तो इन्हीं के कारण, इसी दमन के कारण, इन्हीं सुरक्षात्मक उपायों का बहुत अधिक प्रयोग करने के कारण व्यक्ति में OCD के लक्षण विकसित हो जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या कहता है। ये सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति के अवांछनीय चिंतन होते हैं, अवांछनीय इच्छाएं होती हैं, या ऐसे जो कार्य होते हैं, ऐसी जो भावनाएं होती हैं जो वो अपनी दैनिक जीवन में पूर्ण नहीं कर पाता, उन्हें वो अपने चेतन से अचेतन में डाल देता है, उनका दमन कर देता है। इस कारण भी किसी व्यक्ति को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। अपनी इस बात की पुष्टि के लिए मनोवैज्ञानिकों ने एक लड़की का केस सबके सामने रखा। उन्होंने बताया कि जो एक लड़की थी, उसका एक खौफनाक चिंतन था कि उसकी माँ तीव्र बुखार से मर सकती है। इस तरह का चिंतन जब जब उसके चेतन में आता, वह चिंतित हो जाती थी, और इस चिंता से बचने के लिए उसने अपने इस खौफनाक चिंतन का प्रतिस्थापन रंग और गर्म वस्तु के चिंतन से कर लिया। तो फिर क्या हुआ, तो वो क्या करती थी, कुछ खास रंग को बार बार देखना उसे पसंद आने लगता था, तथा गर्म पानी से बार बार हाथ धोना, बार बार स्नान करना उसे बहुत अच्छा लगता था। इस लड़की द्वारा प्रतिस्थापित चिंतन अपनी स्वेच्छा से ना होकर किसी कारण पर आधारित था, और जो गर्म एवं रंगीन वस्तु से उसे क्या हो रहा था, उससे बुखार का प्रतिबिंबन हो रहा था। तो जिसके कारण मतलब जो उसके मन में खौफ था कि बुखार से उसकी माँ की मृत्यु हो सकती है, तो उस बुखार का प्रतिबिंबन किससे हो रहा था, गर्म वस्तु से हो रहा था। इसलिए वो बार बार क्या करती थी, बार बार अपने हाथों को गर्म पानी से धोती थी और गर्म पानी से स्नान करना बार बार पसंद करती थी। तो क्या हुआ, उसके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लक्षण दिखने लगे। वो बार बार इन्हीं क्रियाओं को करती रहती, वो बार बार एक ही रंग को देखना पसंद करती थी, वो बार बार गर्म पानी से नहाती रहती थी, बार बार गर्म पानी से हाथ धोती रहती थी। तो मनोवैज्ञानिकों ने और चिकित्सकों ने माना कि क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया कि हाँ, इन सिद्धांतों के कारण भी कुछ मनोविश्लेषणात्मक फैक्टर्स भी होते हैं, उनके कारण भी क्या हो रहा है, OCD हो रहा है, उसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो अगला सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने बताया वो था व्यवहारात्मक सिद्धांत, यानी कि बिहेवियर थ्योरी से उन्होंने नाम दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जो मनोवैज्ञानिकों ने माना, वो ये माना कि जो OCD है, यानी कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वो एक सीखी गई विकृति है। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति सीखता है, ये एक तरीके का सीखा हुआ रोग है जो विशेष तरीके के परिणामों से पुनर्बलित होता है। इस व्याख्या का समर्थन मेयर, जो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने और उनके साथियों ने 1970 में किया, और उन्होंने कहा कि जैसे बाधित हाथ साफ करने का व्यवहार क्रियापसूत पलायन अनुक्रिया माना गया है, जो गंदगी या जीवाणु से दूषित हो जाने के मनोग्रसित चिंतन को कम करता है। यानी कि इससे आपकी समझ में क्या आया कि आप क्या कर रहे हैं, बार बार हाथ धोना। मैंने आपको बताया था कि OCD का एक जो एक OCD का पेशेंट है, कभी कभी उसमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं कि वो बार बार जाकर के अपने हाथ धोता है, उसे लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं। तो जो गंदगी से बार बार हाथ धोने की क्रिया है, वो क्या है, वो सीखी गई क्रिया है। उन्होंने उसे माना कि वो सीखी गई क्रिया है। जो क्या कर रहा है, पेशेंट अपने मनोग्रसित चिंतन को कम करने के लिए कर रहा है। उसको उसका मनोग्रसित चिंतन क्या है कि किसी जीवाणु से उसके हाथ गंदे हो गए हैं, तो बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया क्या है, उस मनोग्रसित चिंतन को कम करने की प्रक्रिया है। इसलिए व्यवहारवादियों का मानना था कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वो क्या है, वो एक सीखी गई प्रक्रिया है या सीखा गया रोग है। इसका उदाहरण मैं अगर आपके सामने प्रस्तुत करूं तो शेक्सपियर का एक मशहूर नाटक है मैकबेथ, अगर आपने कभी उसे पढ़ा होगा, देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, तो आप जानते होंगे कि जो मैकबेथ जब मतलब जो मैकबेथ जो पूरा नाटक है, इसमें क्या है, एक किंग डक्कन होते हैं, तो उनकी जो वाइफ होती है मैकबेथ उनका नाम होता है, वो क्या करती हैं, अपने किंग की यानी कि किंग डक्कन की हत्या करवा देती हैं, उनका मर्डर करवा देती हैं। तो उससे बार बार हाथ धोने का बाधित व्यवहार उनके अंदर विकसित हो जाता है, क्योंकि उसमें उनको ये लगने लगता है कि उनके हाथ खून से सने हुए हैं। बार बार उनको ये प्रतीत होता है कि क्योंकि उन्होंने अपने किंग का
मर्डर किया है, उनकी हत्या की है, तो उनका खून उनके हाथों में लगा हुआ है और उनके हाथ उनके खून से गंदे हो गए हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो बाधित व्यवहार, बार बार हाथ धोने का बाधित व्यवहार विकसित कर लेती हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रोगी होते हैं जिनके अंदर ही बाधित व्यवहार विकसित हो जाता है, वो एक ही काम को बार बार करने लगते हैं, जैसे कि बार बार ताला चेक करना, बार बार हाथ धोना, ठीक है, और कभी कभी रोड पे खड़े होकर के, मैंने आपको पिछली बार भी उदाहरण दिया था कि रोड पे खड़े होकर गाड़ियों के वो नंबर नोट करते रहते हैं, ठीक है, उनको मतलब ये लगता है कि कोई अगर वो ऐसा नहीं करेंगे कोई बाधा उत्पन्न हो जाएगी या कोई विपदा आ जाएगी। इसके अलावा संज्ञानात्मक सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने दिए, संज्ञानात्मक सिद्धांतों के अनुसार जब व्यक्ति किसी ऐसी परिस्थिति में होता है जिसमें कुछ अवांछनीय या खतरनाक परिणाम उत्पन्न करने की थोड़ी सी भी संभावना होती है, और जब व्यक्ति इस तरीके के परिणाम का अति आकलन कर लेता है तो उसमें OCD के लक्षण विकसित हो जाते हैं, यानी कि कुछ उसको लगने लगता है कि कुछ खतरनाक होने वाला है, कुछ अवांछनीय होने वाला है, और उनसे भागते भागते, उनसे दूर होने के कारण कभी कभी क्या होता है, उसके अंदर OCD के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ थ्योरीज थी, कुछ मैंने आपके सामने कुछ सिद्धांत रखे जो बताते हैं कि किन किन कारणों से क्या हो रहा होता है, OCD के लक्षण आप में विकसित हो सकते हैं या किसी पेशेंट में विकसित हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें OCD के उपचार की, तो सबसे पहले बात आती है ड्रग थेरेपी की, जिसे हम औषध चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं। OCD के उपचार में कुछ औषधियों के गुणकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं जो क्या करती हैं, सेरोटोनिन की पुनर्वापसी को रोकती हैं, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि इन दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इनके दुष्प्रभाव भी होते हैं। होता क्या है, बहुत बार पेशेंट्स को जब वो एक ये औषधि ले रहे होते हैं, ड्रग थेरेपी उनकी चल रही होती है, तो उन औषधियों को लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट उनके अंदर उनको महसूस होने लगते हैं, कि कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ के अंदर लैंगिक अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है, कुछ के अंदर निद्रा बहुत आना, इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स उसमें देखने को मिलते हैं। तो पेशेंट क्या करते हैं, जो ट्रीटमेंट है उसे पूरा नहीं करवाते, और ट्रीटमेंट पूरा नहीं करवाने के कारण, क्योंकि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए वो उन दवाओं को छोड़ देते हैं और ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है, उनका OCD ठीक नहीं हो पाता। तो बहुत बार दवाओं के भी दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप किसी मनोचिकित्सक के पास जाते हैं तो वो आपको दवाएं देते हैं, और इन दवाओं से OCD के ठीक होने की बहुत सारे चांसेस होते हैं, लेकिन हर दवाओं के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसके कारण कभी कभी देखा जाता है कि रोगी उन दवाओं को लेना छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनके अंदर OCD के लक्षण पूरे समाप्त नहीं हो पाते। इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक थे ग्रिस्ट, उन्होंने 1990 में एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने पाया कि कुछ रोगियों में उन्होंने देखा कि दवा जब उन्होंने दी, OCD की दवाएं दी, तो दवाएं देने के बाद भी उनके जो लक्षण थे वो तो समाप्त हो गए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो लक्षण वापस आ गए। तो ये औषध चिकित्सा होती है, कभी कभी पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ठीक होने के बाद भी ये अध्ययनों में पाया गया कि कभी कभी जो है सिम्टम्स हैं वो वापस आ जाते हैं। इसके अलावा मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा इसमें होती है, जिसको हम साइको एनालिटिक थेरेपी कहते हैं, इसके द्वारा भी OCD का इलाज संभव है। इस तरह की चिकित्सा में रोगी के अचेतन मन के दमित मानसिक संघर्षों की पहचान की जाती है। मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था कि व्यक्ति क्या करता है, अपने चेतन के इच्छाओं को, भावनाओं को, द्वंद्वों को, तनावों को अपने अचेतन में डाल देता है, और वो अचेतन में डालने के कारण बहुत सारे मानसिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण OCD हो जाता है। तो क्या होता है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में क्या होता है, जो रोगी के अचेतन द्वंद्व हैं, जो उसके अचेतन में दमित इच्छाएँ हैं, जो द्वंद्व हैं, उनकी पहचान की जाती है और उन्हें अचेतन से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका OCD के लक्षण कम होते देखे जाते हैं। मैं आपके साथ एक केस शेयर करती हूँ। एक लेडी थी जिनके अंदर अचानक से OCD के लक्षण विकसित हो गए। अब उन्हें कैसे पता चला, वो क्या करती थी, उनको बार बार वेजिटेबल्स जो होती, सब्जियां जो होती थी, उन्हें काटने की आदत हो गई थी। वो सारा दिन सब्जियां काटती रहती थी, वो मार्केट जाती फिर सब्जियां लाती फिर सब्जियां काटती, वो सब्जियां ख़त्म होती वापस मार्केट जाती फिर सब्जियां लाती फिर सब्जियां काटती, तो वो सारा दिन सिर्फ यही काम करती रहती थी। तो जब उनके घर वाले उनसे बहुत परेशान हो गए, तो उन्हें मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया, मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया गया। तो जब मनोवैज्ञानिक ने लक्षणों को देखा, तो वो समझ गए थे कि
ये ओसीडी के लक्षण हैं। तो अब बात थी कि उनकी चिकित्सा कैसे की जाए, तो उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धति को चुना और उन्होंने कोशिश की कि उनके अचेतन तनावों को, अचेतन द्वंद्वों को, ऐसी जो भावनाएं जो उन्होंने चेतन से अचेतन में डाल दी हैं, उनकी पहचान की जाए और उन्हें बाहर निकाला जाए। तो फर्स्ट कुछ सेशन में उस लेडी ने कुछ नहीं बताया मनोवैज्ञानिक को। उसके बाद कुछ और सेशंस हुए जब उन्हें लगने लगा कि हाँ वो मनोवैज्ञानिक जो थे उन्हें कुछ बता सकती हैं, उन्होंने बताया अपनी अचेतन भावनाओं को वो बाहर लेकर आई। उन्होंने बताया कि जब उनके हस्बैंड हैं वो उनसे दूर रहते हैं और इसी बीच उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी और के साथ हो गए, जिसके कारण उनके अंदर एक गिल्ट फीलिंग आ गई कि उन्होंने अपने पति को धोखा दिया है। तो वो गिल्ट फीलिंग के कारण, उस अचेतन के द्वंद्व के कारण, उस चिंता के कारण, उस तनाव के कारण उनके अंदर ओसीडी के लक्षण विकसित हो गए थे और उन लक्षणों से दूर होने के लिए वो बार बार सब्जी काटने की क्रिया को करती थी। तो उसके बाद जब उनके वो अचेतन द्वंद्व बाहर निकल गए, मनोवैज्ञानिक ने उनके परिवार के साथ उनकी बात करवाई और उनके जब अचेतन द्वंद्वों को बाहर निकाला तो उनके अंदर स्वतः ही ओसीडी के लक्षण समाप्त हो गए। तो ये थी मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, जिसमें क्या करते हैं जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो अचेतन द्वंद्वों को अचेतन से चेतन में लाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने व्यवहार चिकित्सा की बात करी। ओसीडी के उपचार में व्यवहार चिकित्सा की जो भूमिका है वो हमेशा से बहुत सराहनीय रही है। जो इसमें जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो तीन तरीके की चिकित्सा देते हैं, जिसमें मॉडलिंग है, फ्लडिंग है और अनुक्रिया निवारण है। और इसका सफलतापूर्वक इससे सफलतापूर्वक उपचार होते हुए देखा गया है। मॉडलिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी के अंदर गंदगी को लेकर ऑब्सेशन उत्पन्न हो गया है। मैंने आपको बताया कि लोगों को ये लगता है कि उनके हाथ गंदे हैं और वो सारा दिन अपने हाथों को लेकर के बैठे रहते हैं और कुछ काम नहीं करते। तो मनोवैज्ञानिक मॉडलिंग का सहारा लेकर के उनको ठीक करने का प्रयास करता है, जिसमें वो क्या अपने हाथों को खुद गंदा करके उनके सामने बैठ जाते हैं और एक मॉडल के रूप में उनके सामने होते हैं कि देखिए गंदगी से कुछ नहीं होता और जिस तरीके से मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप भी ऐसे बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। तो ये कुछ व्यवहार चिकित्सा होती हैं जिनके द्वारा ओसीडी का उपचार किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से ओसीडी के सिद्धांत थे, किस तरीके से जैविक कारकों के द्वारा ओसीडी हो जाता है, किस तरीके से मनोविश्लेषणात्मक कारकों द्वारा ओसीडी हो जाता है, हमारे व्यवहार के कारण हम लोग दोषपूर्ण हमारा व्यवहार हो जाता है, फॉल्टी लर्निंग हो जाती है, दोषपूर्ण सीखना हो जाता है, उसके कारण ओसीडी हो जाता है। और अभी आपने देखा कि किस तरह से हम ओसीडी की चिकित्सा कर सकते हैं, आपने ड्रग थेरेपी के बारे में जाना, आपने साइको एनालिटिक थेरेपी के बारे में जाना और आपने बिहेवियर थेरेपी के बारे में जाना। तो इससे आपको समझ में आया कि ओसीडी जो है उसके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और इस क्लास में हमको समझ में आया कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसी तरीके से अगली कक्षाओं में भी अन्य मनोरोगों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के साथ। नमस्कार।